हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने डाला था कि लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसी में मेरे किसी एक व्यूअर ने पूछा था कि सेबी को कैसे याद करें, तो उसी के बारे में आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने बताया है कि सेबी को आप कैसे पढ़ सकते हो, उसको कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला तो बताओ कि सेबी बहुत लंबा चैप्टर है और थोड़ा जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है उनको थोड़ा पथेटिक लगेगा, तो पर सेबी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लॉजिक के हिसाब से समझो उसको और उसको याद करने की कोशिश करो। और मैं और एक चीज़ बता दूँ कि सेबी को आप पीएम से रिफ़र कर सकते हो, जो एक सेबी का बेसिक है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो पीएम का जो सेबी रेगुलेशंस वाला फर्स्ट पार्ट है उसमें से थरली आप कर लो, दैट्स इनफ। और जो रेगुलेशन वाला पार्ट टू है सेबी का पीएम में, वो आप एक बार देखो, उसमें कौन कौन से रेगुलेशंस रिपीटेटिवली पूछे गए हैं उसको ऑब्जर्व करो और उसका रट्टा लगाने की कोशिश करो, पर समझ के, ठीक है। तो मैंने आगे की क्लिप में बताया है कि मैंने कैसे उसको समझा, कैसे उसको रिवाइज़ किया और कैसे उसको याद रखा, तो आप उसी से समझिए और फिर खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि, और मैं बार बार बताती हूँ कि हमारा जहाँ लेक रहता है वो है रिवीजन पार्ट। हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर उसका रिवीजन नहीं हो पाता। तो रिवीजन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक नोट बना दो। मैंने इसी इतनी ही नोट में पूरा सेबी इंक्लूड किया है, सेबी के सारे जो रेगुलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस, वो इतने ही पेजेस में आ जाते हैं, मैक्सिमम इन 6 to 7 pages ओनली, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नोट है जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, और अगर आपने पढ़ लिया है और फिर आप रिफ़्रेश होना चाहते हो, रिफ़्रेश होकर आए, तो आकर ये एक बार बैठ जाओ, ये थोड़ा पढ़ लो। हर रोज़ एक एक रेगुलेशन करो, एक हफ्ता तक एक रेगुलेशन करो, उसको रिवाइज़ करते रहो 6 days तक, 7th day को अपने आप वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि मैंने कैसे लिखा है और कैसे याद किया है। ये रेगुलेशन 4, कंडीशंस फॉर पब्लिक एंड राइट इशू, आप देख रहे हो इसी एक पेज में, इतने में ही मेरा पूरा रेगुलेशन 4 आ चुका है। देखिए, हम डर जाते हैं, पर ये बहुत सिंपल और समझने वाली बात है शेयर मार्केट के बारे में, कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक क्या राइट इशू करने से पहले हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगते हैं। तो जब तक हम लोग को डिबार्ड किया गया है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से, या फिर हम ऐसी कंपनी में इश्यूअर, प्रमोटर या डायरेक्टर है जिस कंपनी को डिबार्ड किया गया है, तो वहाँ से हम लोग पब्लिक या राइट इशू नहीं कर सकते। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में हो, ऑफकोर्स आपने डिफॉल्ट कहीं और किया है, तो आप खुद से पब्लिक इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब लोगों के पैसे खा जाने वाली बात हो जाएगी। या तो फिर आपने एक ही या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन नहीं दी है, तो आप नहीं कर सकते हो। फिर है कि डीमटेरियलाइजेशन के लिए अग्रीमेंट करना होता है, वो अगर नहीं किया तो नहीं कर सकते। आपने कहीं किसी और कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं और वो खुद पार्टली पेड अप है, तो जब तक आप उसको फुल्ली पेड अप नहीं करोगे, तब तक आप पब्लिक या राइट इशू नहीं कर सकते। और अनलेस द फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिएबल मीन्स टूवर्ड 75% ऑफ स्टेटेड मीन्स होने चाहिए। तो ये इतने ही पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बार बार रीड करो, बार बार याद करने की कोशिश करो। अपनी पीएम उठाओ या स्टडी मॉड्यूल उठाओ, उसमें से ये एक टॉपिक है जिसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हो और वो पूछा भी गया। आप देख सकते हो मैंने लिखा है पीएम का क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 12 मतलब पुरानी पीएम का होगा, तो आपकी रिवाइज लेटेस्ट पीएम है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना ख़त्म हो गया। फिर है रेगुलेशन 25, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज़। तो उसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको भी पता होगा कि ये 5 conditions जो है ABCDE, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डबल स्टार देकर इसको हाईलाइट किया है। नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, उसमें भी मिनिमम 50% मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। एवरेज प्री टैक्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट PBT मोर देन 15 करोड़ होना चाहिए, वो भी कैसे, इन 3 years out of 5 years। नेटवर्थ
मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए इन प्रिसीडिंग 3 ईयर्स, बट इच में है इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स. फिर डी और ई e, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रपोज्ड प्लस प्रीवियस इश्यू जो है आपकी कंपनी का, वो 5 टाइम्स प्री इश्यू नेटवर्क से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और अगर आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया है, नेम चेंज किया है, तो एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर के टाइम पे अपनी आपकी 50% अर्निंग रिवेन्यू वो नए नाम से आनी चाहिए. मतलब जब आपने नाम चेंज किया उसके बाद आपने जो अर्निंग की है वो आपकी ईयरली अर्निंग से मोर देन 50% होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होनी चाहिए. ठीक है, तो ये 5 जो कंडीशन है ए टू ई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका तो आप रट्टा ही लगा दीजिए. और फिर है कि ये अगर फुलफ़िल नहीं हुई तो आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा सकते हो, या तो फिर, और ये थी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के लिए. और अगर आप फर्दर पब्लिक ऑफ़र करना चाहते हो, या तो डी और ई उसको सेटिस्फाइड करो, या तो फिर सब रेगुलेशन 2 है, मतलब बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करो, या तो एटलीस्ट 75% पब्लिक को ऑफ़र करो. और अगर वो नहीं कर पाए मिनिमम अलॉटमेंट, तो आपको वो अमाउंट रिफ़ंड कर देनी होगी. ठीक है, तो यही एक मेन चीज़ है ये रेगुलेशन में, तो आप इतना समझो, खुद से पढ़ो, समझो और याद करने की कोशिश करो. फिर है प्राइजिंग बाय कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज़. तो वो लोग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप लॉजिकली भी देखने जाओ तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस लीड मर्चेंट बैंकर जो है उनके साथ कंसल्ट करके प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है. डिटरमाइन करते हैं कूपन रेट या तो कन्वर्जन प्राइस. ठीक है, अभी उसमें जो एक मेन पोर्शन पूछा जाता है, जो कि मैंने इधर मार्क किया है, कि मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि डिफरेंशियल प्राइजिंग कैसे होता है, तो उसको आप पढ़ो, समझने की कोशिश करो, मेमोराइज़ करने की कोशिश करो. फ्रेंड्स, बार बार रिवीजन करो. इसमें मैंने 4 वर्ड्स को राउंड किया है, आप देख सकते हो, रिटेल, एंकर, कंपोजिट एंड एम्प्लॉइज़. तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, और उससे जुड़ी जो बातें हैं कि मतलब जो सिक्योरिटी वैल्यू के लिए अप्लाई करते हैं वो नॉट मोर देन 2 लाख होनी चाहिए. ये ऐसा साइन में करती हूँ, इसका मतलब नॉट मोर देन. ठीक है, एंकर इन्वेस्टमेंट तो वो कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन टू अदर एप्लीकेंट. आप एंकर इन्वेस्टर को जो प्राइस दे रहे हो वो अदर एप्लीकेंट की प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए. आप अगर कंपोजिट इश्यू कर रहे हो तो उसकी प्राइस जो पब्लिक को आप ऑफर कर रहे हो शुड नॉट बी डिफरेंस इन राइट इश्यू. ठीक है, फिर है कि अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो प्राइस, तो उसका जो डिफरेंस है वो मोर देन 10% नहीं होना चाहिए. तो ऐसे मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड करके ऐसे लिख देती हूँ अपनी नोट से, अपने हिसाब से. फिर प्राइस और प्राइस बैंड, तो आपको भी पता है कि कैप जो होता है वो 120% से डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 20% से अप्स और डाउन नहीं हो सकता. ठीक है, फिर ये एक चीज़ जो है फेस वैल्यू वाली, इसको भी कई बार पूछा गया है कि फेस वैल्यू, तो अगर इश्यू प्राइस आपके शेयर की 500 या उससे ज़्यादा है तो आपकी फेस वैल्यू लेस देन 10 हो सकती है, मतलब 1 to 10 में कुछ भी हो सकती है. देखिए, ये एक बहुत कॉमन बात है, ये मैंने कहीं से सुना था कि गोल्ड है तो वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू मतलब मोर देन 500 होगी, आप ऐसे याद कर सकते हो, तो उसकी फेस वैल्यू 1 से 10 ले सकते हो. लेकिन अगर जो ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू ही एकदम कम है, लेस देन 500 है, तो उसके लिए मिनिमम 10 तो हमें कमाने हैं. तो ऐसे वाइज वर्सा, ये एकदम अपोजिट केस है और थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, जो मतलब शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको शायद ये थोड़ा अजीब लगे. पर ऐसे मोर देन 500 है तो लेस देन 10 चलेगा, लेस देन 500 है तो मिनिमम 10 चाहिए, ऐसे याद करो आप. ठीक है, रिवाइज करो, मैं बार बार बोलती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 17 है पीएम का. अब क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है रिवाइज्ड पीएम में, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो. फिर है मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम में पूछा गया है प्रमोटर को अगर हम देते हैं. देखिए फ्रेंड्स, प्रमोटर मतलब क्या, कि जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, मतलब कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है हमारी कंपनी में और उन्हीं को हम और ज़्यादा शेयर्स दे रहे हैं एडवांस में.
ठीक है, तो उसका है कि उस प्रमोटर्स को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर देते हैं तो वो नॉट लेस देन 20%, ठीक है, तो मतलब मिनिमम उनको 20% दे सकते हैं, और फर्दर पब्लिक ऑफर करते हैं तो आइदर अप टू 20% और प्रपोज्ड इशू और पोस्ट इशू। ठीक है, 20% जो है वो प्रपोज्ड या पोस्ट इशू के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। उनमें जो सिक्योरिटीज़ इन एलिजिबल वाला रेगुलेशन 33 है वो ज़्यादातर पूछा गया है, नवंबर 14 के एग्ज़ाम में भी वो पूछा गया था। तो उसमें है कि अगर 3 ईयर्स में अक्वायर किया है उन्होंने, प्रिसीडिंग 3 ईयर्स में प्रमोटर्स ने शेयर्स अक्वायर किए हैं, वो भी किस कंडीशन पे, फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश, रिलेवेंट ऑफ असेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ असेट्स अदर देन कैश होना चाहिए, और बोनस इश्यू के लिए, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा, मतलब कि वो इस 20% के क्राइटेरिया में नहीं गिना जाएगा अदर देन कैश है तो। अगर कैश से अक्वायर किया गया है तो इट इज़ फाइन, या तो फिर अगर प्रीवियस 1 ईयर में परचेज किया है एट द प्राइस लोअर देन पब्लिक इशू प्राइस, पब्लिक को जिस प्राइस में दिया है उससे कम प्राइस में अगर प्रमोटर्स को इशू किया गया है इन प्रिसीडिंग 1 ईयर, तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा, या तो फिर अगर प्रीवियस 1 ईयर में प्राइस लोअर देन इशू प्राइस है बाई कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कन्वर्जन से ऐसे शेयर्स दिए गए हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्लेस्ड विथ एनी अदर क्रेडिटर, उनकी जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी किसी क्रेडिटर के साथ प्लेस्ड की गई है तो वो ऐसी सिक्योरिटी ऑफकोर्स इनएलिजिबल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें रेगुलेशन 32, 33, 34 ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, और ऐसे पेजेस पे या आप ऐसी चीज़ों पे लिख दिया कीजिए ताकि आपको वो बार बार रिवीजन करने में इजी रहे। लॉक इन ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, लॉक इन मतलब क्या, कि हम उनको लॉक करके रख देंगे ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो पाए। ठीक है, लॉक इन मतलब शल नॉट बी ट्रांसफरेबल, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, लॉक कर देंगे। तो प्रमोटर्स के जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन हमें 3 ईयर्स के लिए लॉक करना है, और बाकी का जो इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20% है तो 20% से जो भी ज़्यादा है वो मिनिमम 1 ईयर के लिए लॉक इन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको एटलीस्ट 1 ईयर तक हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, अदर देन प्रमोटर्स को दिए है तो क्या है, तो अदर देन प्रमोटर के पास शेयर्स है तो वो भी मिनिमम 1 ईयर के लिए तो नॉन ट्रांसफरेबल ही रहेगा, मतलब लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये दो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉक कितना टाइम तक करना है वो चीज़। तो ये हुई रेगुलेशन 35 to 40 की बात, उसमें ये दो चीज़ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसी को आप ध्यान में रखिए। फिर है ग्रीन शू ऑप्शन, फ्रेंड्स ये मतलब ग्रीन शू ऑप्शन, ये एक तो नाम ही कुछ नया सा है तो इससे सबको बहुत डर लगता है, लेकिन इसकी एक बेसिक बात बताओ तो इसमें प्रोसीजर क्या होती है कि कंपनी वाले खुद एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हैं ताकि जब कंपनी इश्यू करती है शेयर्स को तब वही मर्चेंट बैंकर या फिर कहते हैं स्टेबलाइजर एजेंट, तो वो लोग ही कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं ताकि उस टाइम पे कंपनी के शेयर्स की प्राइस डाउन ना हो जाए और उनकी वैल्यू एज इट इज़ रहे। तो ये सब पूरी प्रोसेस मैक्सिमम 30 डेज में करनी होती है ग्रीन शू ऑप्शन की, पूरी जो सिक्योरिटी इश्यू करने से लेकर खरीदने तक की प्रोसेस है वो 30 डेज में कंप्लीट करनी होती है। इसमें क्या करता है स्टेबलाइजिंग एजेंट जो रखते हैं वो एक तो बैंक अकाउंट ओपन करता है, ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट एंड ग्रीन शू ऑप्शन डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट मतलब कि बाहर की पब्लिक जो शेयर्स परचेस करती है वह उनसे जो रुपीज़ मिलते हैं वो ये बैंक अकाउंट में जाते हैं, और एजेंट जो खुद शेयर्स परचेस करते हैं वो शेयर्स ये डीमैट अकाउंट में जाते हैं। 30 डेज के बाद ये प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही उनको रिटर्न कर देने होते हैं जो भी शेयर्स और मनीज है वो कंपनी को, ताकि कंपनी उस शेयर को थोड़े टाइम के बाद पब्लिक में वापस इशू करके क्रेडिट उनकी एज इट इज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट को बाद में मनी जो भी उनको मिलता है वो रिमिट कर देना होता है, उसमें से जो एक्सपेंस होता है वो बात करके अगर कुछ एक्सेस अमाउंट रही है
तो वो IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये पूरी प्रोसेस के लिए रजिस्टर मेंटेन करना होता है कंपनी को एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। स्टेबिलाइजिंग प्रोसेस मतलब ग्रीन शू ऑप्शन प्रोसेस जब शुरू हुई वहाँ से लेकर 3 ईयर्स तक मिनिमम ये पूरा रिकॉर्ड जो भी है वो आपको याद करना होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट ऊपर ऊपर से समझ में आया हो। अब आप पढ़ेंगे इसी कंसेप्ट के साथ तो आपको इन डिटेल पता चलेगा और उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये भी 1 से 2 बार पूछा गया है। जब पेपर टफ निकालना होता है तब इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल भी पूछती है जो कि स्टूडेंट्स जानबूझ के ऑप्शंस में डाल देते हैं। उसके बाद है प्रेफरेंशियल इशू। देखिए, तो ये तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ प्रेफरेंशियल होगा, मतलब कि किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर कंपनी कुछ ऐसा काम करना चाहती है तो उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और वो शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होने चाहिए। वो लिस्टेड होने चाहिए रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। जिनको भी इश्यू करते हैं, इश्यूअर हैज़ ऑब्टेन पैन ऑफ अलॉटीज, पैन नंबर ले लेना है परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटीज का। नॉट इश्यू टू पर्सन इफ अगर किसी ने परचेज किए थे उसी कंपनी के शेयर्स अर्ली ईयर पिछले टाइम में और उन्होंने सेल कर दिए विद इन 6 मंथ्स ओनली। जब हम प्रेफरेंशियल इशू उनको देना चाहते हैं उसके बिफोर 6 मंथ्स ही उन्होंने शेयर्स सेल कर दिए हैं तो ऐसे पर्सन को हम वापस से ऐसे हमारे शेयर्स नहीं देंगे। तो ये कंडीशन है, नॉट इश्यू टू पर्सन इफ़ ही हैज़ सोल्ड इक्विटी ड्यूरिंग 6 मंथ्स प्रिसीडिंग सच प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। और 1 ईयर का मिनिमम पीरियड है डेट ऑफ एक्सपायर ऑफ टेन्योर टू डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो ये पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए। फिर उसमें प्राइजिंग कैसे करते हैं, तो ये आपको पता है कि रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जब ये शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं उसके 26 वीक्स तक उसकी फ्रिक्वेंसी देखी जाती है। एवरेज वीकली हाई और लो देखा जाता है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। या तो फिर अगर वो मतलब 26 वीक्स नहीं हुए है वो शेयर्स को इशू किए हुए तो एटलीस्ट प्रीवियस 2 वीक्स का देखा जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैच करके उसकी प्राइसिंग की जा सकती है। और उसमें भी है लॉक इन पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, तो मोर देन 25% है तो मिनिमम 25% हम लोग सॉरी 20% हम लोग 3 ईयर्स के लिए लॉक इन कर देंगे और मोर देन 20% है तो वो 1 ईयर के लिए लॉक इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है और ये ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है। PM में भी 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 3 बार। तो उसमें भी आप देख लीजिए प्राइजिंग जो है रेगुलेशन वो इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस बैंड कैसे होता है। तो जो एक प्राइस फिक्स की गई है उससे मोर देन 20% का डिफरेंस फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। प्राइस में जो भी रिवीजन होता है वो भी एनी ऑफ साइड आइदर साइड 20% ही रहना चाहिए। मतलब आइदर मोर 120% होए या फिर 80%, पर उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। रिवाइज्ड होता है तो बिडिंग पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है मिनिमम 3 डेज के लिए या फिर मैक्सिमम 10 डेज के लिए, ठीक है। शॉर्टफॉल हुआ तो डिस्क्लोज करना है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में। अलॉटमेंट मिनिमम 35% है, वो RII मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जाना चाहिए। 15% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जाना चाहिए और बाकी का 50% QIB में होना चाहिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और उसमें से भी मिनिमम 5% म्यूचुअल फंड को अलॉट किया कर देना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है बुक बिल्डिंग प्रोसेस की। उसके बाद आता है बोनस इशू। देखिए, ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपने सेबी को पूरा ही ऑप्शन में छोड़ दिया और ऐसा बोनस इशू पे क्वेश्चन आ गया तो मतलब समझो कि आपने कैश मार्क्स गुमा दिए। तो कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट्स भी है जिसको आप याद रख के पूरे 8 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि रेगुलेशंस का 8 मार्क का एक क्वेश्चन तो कंपल्सरीली आता ही है। तो उसमें कंडीशंस क्या है कि एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपको ऑथोराइज्ड करना चाहिए। नॉट डिफॉल्टेड स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। प्रिंसिपल या इंटरेस्ट
कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपके जो स्टेचुटरी ड्यूज़ है उसमें भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टेचुटरी ड्यूज़ मतलब PF ग्रेजुएट, ये से जो ड्यूज़ है उसमें आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। और जो भी पार्टली पेड अप शेयर्स है उसको आप पहले फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद ही आप बोनस इश्यू कर सकते हो। इसमें है कि बोनस ओनली अगेंस्ट रिजर्व्स, तो कौन से रिजर्व्स के जो फ्री रिजर्व्स है उसके सामने ही आप बोनस इश्यू कर सकते हो उसी को यूज़ करके। फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम CRR, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। नॉट इश्यूड इन लियो ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बिहाफ पे आप बोनस इश्यू नहीं दे सकते। और कंप्लीशन क्या होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए तो आपको 15 डेज में उसको कंप्लीट करना है, और अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, अगर आपने AOA में मेंशन किया है कि शेयर होल्डर के अप्रूवल से ही बोनस इशू कर पाएंगे, तो उसके लिए फिर टाइम है कि 2 मंथ्स में आपका ये प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आपने एक बार बोनस इशू कर लिया है देन इट कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है। तो बोनस में यही एक इतना इजी पॉइंट है, तो ये तो मतलब कैश मार्क है अगर पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। फिर है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो उसमें भी कंडीशंस है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया होना चाहिए, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर लिस्टेड होना चाहिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो होती है उसके साथ कंप्लाइंस्ड होना चाहिए, और स्पेशल रिजोल्यूशन में क्लियरली डिस्क्लोज कर रहा है कि अलॉटमेंट थ्रू QIP कर रहे हैं। और उसकी प्राइजिंग में वही है कि एवरेज वीकली हाई और लो ऑफ 2 वीक्स वो देखना है, और उसको क्लियरली स्पेशल रिजोल्यूशन में डिक्लेयर करना है। और रिस्ट्रिक्शंस जो है उसमें मेन एक जो चीज़ है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट रेज्ड प्रपोज्ड प्लस प्रीवियस शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ, जो हमने आगे भी देखा था वो 5 कंडीशन, उसमें से ABCD D वाली कंडीशन ये थी, तो वही कंडीशन इधर भी है। और ट्रांसफरेबिलिटी, तो 1 साल में आप उसको एटलीस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एलिजिबल सिक्योरिटी जो है उसको QIP, उसको यू कैन नॉट ट्रांसफ़र विद इन 1 ईयर। तो ये QIP भी अब पूछा गया है, हालांकि ये बहुत पहले नहीं पूछते थे, पर अब लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इसको पूछते हैं। ये PM में भी है और RTP में भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑन राइट इशू, तो ये बोनस इशू जो है उसी के समान है ये राइट इशू, तो इसको भी आप रीड कीजिए, समझने की कोशिश करिए। वही सिंपल सी बात है, सिर्फ थोड़ा लेंदी है उतना ही, कि एक तो रिकॉर्ड डेट होना चाहिए, इश्यूअर शुड नॉट विड्रॉ द इशू आफ्टर अनाउंसमेंट, एक बार इशू अनाउंस कर दिया उसके बाद उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और नॉट लिस्ट एनी सिक्योरिटी फॉर इफ़ अगर विड्रॉ कर दिया उसने तो फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ 12 मंथ्स के दौरान वो लिस्टेड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए अप्लीकेशन फॉर्म आता है, प्लेन पेपर पे अप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है, या फॉर्म में डिसाइड करो इशू प्राइस डिसाइड होनी चाहिए बिफोर द डेटरमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट, मिनिमम 15 डेज सब्सक्रिप्शन टाइम है, मैक्सिमम 30 डेज। और उसमें पेमेंट का आइदर ऑफ द टू कोई एक ही मोड आप अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम पेमेंट ऑन अप्लीकेशन और फिर बैलेंस जो है वो कॉल्स के दौरान, अदरवाइज फुल पेमेंट कर दो अप्लीकेशन के टाइम पर ही, प्रोवाइडेड के पार्ट पेमेंट जो कर रहे हो ऑन अप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू साइज आपने जो डिसाइड किए उसका मिनिमम 25% आपको फर्स्ट पेमेंट पर ही मिल जाना चाहिए, मिनिमम 25%। तो ये था राइट इश्यू, तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसी में कवर कर लिया है। आप इसको ऐसे अपने राइटिंग से, अपने हिसाब से, अपनी बुक से पढ़े और लिख दें एज ए नोट, और उसको रिवाइज़ करते रहे। थैंक यू।